फ्रेंड्स, मैं रितु चौहान, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ कोई मेकअप ट्यूटोरियल या कोई अपना वीडियो ऐसा कुछ मतलब मेकअप ट्यूटोरियल शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज ना कोई मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि टाइटल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, टाइटल में मैंने दो लोगों को मेंशन किया है, वो है एक प्रियादीप चैनल से प्रिया दी और दूसरा है मिशिकास फैमिली से मेघा दी। तो जी हाँ, ये दोनों आप सभी जानते ही होंगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और इनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत अपना सपोर्ट देते हैं। बट एक्चुअल में ये क्या है मैं आज आपको बताऊँगी, तो बता दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में ये क्या है। जी हाँ, मैं यहाँ उनकी कोई बुराई नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग सब बहुत एक्साइटेड होके बैठे हैं कि हाँ उनका कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मेरी इंस्पिरेशन है गाइस। जी हाँ, मैं अगर आज उनसे इंस्पायर हुई हूँ तो सिर्फ उन दोनों की वजह से। सच कहूँ तो सबसे पहले मैंने प्रियादीप चैनल से प्रिया दी का जो मेकअप ट्यूटोरियल और ब्लॉग है मैंने वही देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार मतलब वो एक तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है वो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जब उनके वीडियो देखे तो मुझे लगा कि यार लाइफ में लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ करना हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सब परफेक्ट हो, हमारे पास सब कुछ हो, ये कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम चाहे अगर हमारे मन में अगर आत्मविश्वास से कुछ करने की हमारी इच्छा है तो हम वह ज़रूर कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ प्रिया दी से ही सीखा है। और देन उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद जब मैंने अपने चैनल पे मैंने देखा कि मैंने मिशिकास फैमिली से जब मैंने मेघा दी के ब्लॉग देखे तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगी और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है इट्स रियली गुड। फ्रेंड्स, आप लोग अगर देखते हो तो आपको तो पता ही होगा, और अगर नहीं देखते हो तो आप ज़रूर जाके एक बार देखिएगा, वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। ये दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट है। मैं ऐसे बैठी रहती थी सोचती क्या करूँ, तो मैं उनके वीडियो देखती थी तो मुझे एक लगा कि यार ये मतलब बिल्कुल जब ये कर सकती है, लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है। आई होप जितना सपोर्ट और प्यार आपने उनको दिया है उतना मुझे भी मिलेगा, आई डोंट नो, बट मैंने बस मेरी इच्छा थी करने की तो मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि मेरा लक कैसा रहता है, यूट्यूबर बनने का मेरा सपना सच होता है या नहीं, वो तो मुझे टाइम ही बताएगा और आप लोग ही बता सकते हो। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे मिले उनके जैसी तो नहीं, बट हाँ बन सकती हूँ कुछ ना कुछ, और मैं उनका जितना वो मैं सोच भी नहीं सकती, जितनी वो है दोनों उतना मैंने सोचा भी नहीं है, बट मेरी इच्छा थी कुछ करने की तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं आज आप लोगों से बस यही शेयर करने वाली थी कि मेरी जो इंस्पिरेशन है, मुझे ये इंस्पायर मैं इंस्पायर कहाँ से हुई कि मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए और मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इन दो लोगों की वजह से इंस्पायर हुई हूँ, प्रियादीप चैनल से प्रिया दी और दूसरा मिशिकास फैमिली से मेघा दी। अगर आप लोगों ने उनके चैनल नहीं देखे तो आप जाके प्लीज़ उनके वीडियो देखिए, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और वो बहुत ही सपोर्टिंग है। सबसे बड़ी बात जो वो है ना, वो जेन्युइन है, एकदम वो नेचुरल है, वो कोई भी वो फेक या उनका कुछ भी फेक नहीं है, जो है वो रियल है। वो जैसी मतलब उनको देख के ही लगता है गाइस कि वो बिल्कुल रियल है, मतलब उनका कोई भी कुछ चीज़ मुझे फेक नहीं लगता है। और हाँ, मस्ट इम्पोर्टेंट, मैं जो आप उनके हेटर्स को एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग उनसे इतना जलते हो तो वो आपको साफ दिखता है, वो सबको दिखता है कि आप उनके इम्पोर्टेंट। मैं उनके हेटर्स को बोलना चाहूँगी कि जो लोग उनसे इतना जलते हैं और अपने आप को वो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सबको दिखता है कि वो लोग कैसे हैं, और उनकी जो जलन है वो साफ दिखती है कि आप किसी से जल रहे हो, कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उनके बारे में बुरे कमेंट करो, आप उनके बारे में उंगली उठाओ उन पे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसने भाग के शादी की, इसने ये किया, ये कुछ मैटर नहीं करता है गाइस। आज कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम, आज के ज़माने में जियो ना, और भाग के शादी अनोली क्या होता है, वो उन्होंने जो किया अपने प्यार के लिए किया, एटलीस्ट वो उसको निभा तो रही है ना। बहुत से लोग होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं बट निभा नहीं पाते हैं, वो कम से कम वो करे, वो एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है
तो इससे आप सब क्यों चलते हो? वो बहुत स्वीट है और उनका जो फैमिली मैटर है, उनको जो एक्सेप्ट नहीं किया, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको उसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप उनके हेटर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सब छोड़ दो और अपने बस जस्ट काम पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे आप ध्यान ना दो। चलिए बातों बातों में मैं आपको ये बताना ही भूल गई गाइस, आपको मेरी कुर्ती कैसी लग रही है? अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन की है, ये मैंने खुद बनाई है। जी हाँ, मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और आप लोगों को अगर ये देखना है, तो मैं ऐसा सेम कुर्ती जो मैं डिज़ाइन करके आपको ज़रूर बताऊँगी, वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये पसंद आई भी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपको ये पसंद आई होगी या नहीं। तो मैंने जस्ट आपसे पूछा, आप देख लीजिए, ये बिल्कुल कोल्ड स्लीव्स वाला जो कुर्ती है ये मैंने बनाया है। और ये आपको लग रहा होगा बट ये बहुत ही कंफर्टेबल है, यहाँ से बिल्कुल, मतलब ये ऐसा जो आपको लग रहा होगा खिंचता होगा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूँगी, बस आपको बताना मुझे पड़ेगा एक बार। और हाँ, वैसे मैंने बकबक तो बहुत कर ली है, पर मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, तो वो अभी सो रहे हैं, तो अभी उठेंगे तो बोलेंगे मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती। तो आवाज़ का अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के तो नहीं बात कर सकती, क्योंकि जो ये हमारा घर है, ये हॉल है, उधर मेरा एक रूम है, तो उसी में वो जस्ट पास में सो रहे हैं, तो अभी अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से लाउडली आपसे बात करूँगी तो वो उठ जाएंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी नींद पूरी वैसे भी नहीं हो पाती है, वो नाइट शिफ्ट में रह करके आते हैं, तो जस्ट अभी वो 1 बजे सोए हैं, खाना वाना खाया था हम लोगों ने, वो सो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ, मैंने आप भी नहीं सोचा, मैंने सोच लिया था 2 दिन पहले ही कि मैं ज़रूर करूँगी ये वीडियो शेयर। तो मेरे से मतलब सब्र नहीं हो रहा था, रात को तो मैं बहुत सोची थी पर मैं रात को नहीं बना सकती थी, क्योंकि पता नहीं लाइटिंग कैसा क्या आता। तो मैंने सोचा मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब फ्री होके मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी अपना। तो मुझे बस बिल्कुल, मैं क्या होता, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब सुबह हो और कब, कल तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहा था कि कब सुबह हो, कब कल आए मैं फ्री होके फटाफट आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो इसलिए बस मैंने फटाफट उठ के और फ्री होके खाना वाना बना दिया था मैंने जल्दी, और उन्होंने खाना खा के मैंने बोला ठीक है आप सो जाओ, और मुझे तो वीडियो बनाना है, तो मैं अभी बस शेयर करना चाहती हूँ सारे फ्रेंड्स के साथ अपने इंस्पिरेशन। और अब जो मैं है अपना आगे, अगर अपना मैं यूट्यूब का सफ़र शुरू आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो अब मैं आराम से मतलब मैं अब बढ़ाऊँगी आगे, क्योंकि जो मेरा मेन जो था आप लोगों को बताना बहुत इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, आप माइंड मत करना, वो क्या है मेरे पास ट्राइपॉड अभी नहीं है, मैं ले लूँगी थोड़े टाइम में, अभी मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है तो ये हिल रहा है बार बार, तो इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। और हाँ, कुर्ती ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ एक बार, इसमें पूरे बटन हैं और ये नीचे ये कट है, मैं आप देख सकते हैं पूरा उसका जो फैब्रिक है, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका जो कपड़ा है बहुत मोटा है और बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं होती इसमें, बहुत ही क्लासी लगता है पार्टी वेयर। इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितना इसका प्यारा है, और मैंने जो ये इसमें लेस लगाई है मल्टी कलर में, तो आप देख सकते हैं मेरे इयररिंग्स भी इसके साथ पूरे परफेक्ट मैच हो रहे हैं ना, देख सकते हैं आप, इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो ये मैंने इसमें स्लीव्स ये डिज़ाइन किया था ताकि ये अच्छा लगे, ये मैंने ट्राई किया था कुछ नया, पहले मैंने बनाया नहीं था ऐसा, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोल्ड स्लीव्स, उस टाइम मेरे को दिमाग में बहुत चढ़ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ऐसा ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये बनाया। और बहुत इस पर मुझे मतलब फैमिली और फ्रेंड्स, जब मैं अपने घर गई थी इसको पहन के, तो भी मेरे कज़न, मेरी जो बहनें थी, भाभी वगैरह, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सबको ये कुर्ती बहुत पसंद आई थी, इवन मेरे ससुराल में भी जो मेरी सिस्टर इन लो है, उनको भी ये बहुत पसंद आया था, तो वो भी बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा उनको इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा लगा था, उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था।
तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुर्ती के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से मेगा दी और उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कमेंट करती हूँ बट उनका रिप्लाई नहीं आता है। आई नो वो बहुत बिजी रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ, बट फिर भी मेरा बहुत मन है कि मैं उनसे एक बार बात करूँ, उनका मुझे रिप्लाई आए तो बात होती है, तो कि प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दें। और क्या बोलूँ, बस बहुत हो गई बातें।